गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो बताया था उसके अंदर हमने जो असेसमेंट है कॉग्निटिव असेसमेंट उसके बारे में हमने चर्चा की थी और मैंने उसके टाइप्स बताए थे कि असेसमेंट के जो कॉग्निटिव असेसमेंट है उसके ऐसे कौन कौन से टाइप्स थे, तो मैंने उसको तीन भागों में बांट रखा था। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई जो कॉग्निटिव असेसमेंट है उसके हम स्तर को जाँच रहे हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से स्तर है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जब हम लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग के अंदर क्या है कि अपने व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो किसी न किसी निश्चित उद्देश्यों के आधार पर होते हैं, कि हमने ऐसे कौन कौन से ऐसे उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं जिससे जो अधिगम होगा उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, कि हमारा व्यवहार किन किन उद्देश्यों के आधार पर परिवर्तित हो रहा है। तो संज्ञानात्मक अधिगम, अगर संज्ञानात्मक अधिगम के स्तर के अनुसार हम देखें तो जो क्षेत्र है, यानी अधिगम को हमने तीन क्षेत्रों में बांट रखा था, इसके उद्देश्य भी बोल सकते हैं इसको, कि संज्ञानात्मक अधिगम के स्तर को हमने तीन उद्देश्यों के आधार पर विभाजित कर रखा था। फर्स्ट विभाजित हमने कर रखा था कि संज्ञानात्मक एवं मानसिक क्षेत्र क्या है भाई, जो अधिगम है संज्ञानात्मक जो अधिगम है उसको हमने जो एक स्तर दिया था कि भाई तीन स्तरों के आधार पर हम बच्चों को उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स को जो हम डालना चाहते थे, हमारे देश की जो उनके लिए ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर रखे थे, उन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ऐसे कौन कौन से स्तर हैं जहाँ पर हम उद्देश्यों को विभाजित कर सके, तो हमने ऐसे तीन स्तर विभाजित कर रखे थे विद्यार्थी के, जिससे उनके जो अचीवमेंट लेवल है उसमें परिवर्तन आ सके, वो एक अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक अपने मनोभाव के अनुसार अध्ययन कर सके और आगे भी जारी रख सके। तो सबसे पहले मैंने अधिगम क्षेत्र में तीन उद्देश्यों में विभाजित कर रखा था, वो थे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक या क्रियात्मक। सबसे पहला था जो कॉग्निटिव डोमेन्स थे, फिर उसके बाद हमारे इमोशनली डोमेन्स हैं एंड साइकोमोटर, यानी क्रियात्मक उद्देश्यों के आधार पर हमने इन क्षेत्रों के आधार पर हमने बांट रखा था। क्योंकि संज्ञानात्मक अधिगम के अगर स्तर देखें तो ब्लूम्स ने, सबसे पहले हम बात करते हैं बी एस ब्लूम्स की, बेल्जियम एस ब्लूम, ब्लूम ने 1956 में सबसे ज्यादा वर्क किया था संज्ञानात्मक। इन्होंने संज्ञान का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि संज्ञान एक बौद्धिक वस्तु बौद्धिकता से है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई जहां पर बौद्धिक योग्यता, क्या संज्ञानात्मक किसमें है, जिसमें हमारी बौद्धिक योग्यता हो, हमारी क्षमता हो, हमारे कौशल हो, जिसका विकास हो, यानी हमारी बौद्धिकता से मतलब है हमारी मानसिकता से, यहाँ पर मैंने लिखा है मानसिक, यानी मानसिकता से है, हमारे अपने मानसिक व्यवहार से है, हमारी संज्ञान से है कि बच्चा किस तरह सीख रहा है। तो ग्रंथ ने तथा ग्रंथ के अन्य जो साथी थे उन्होंने भी ग्रंथ का साथ दिया था, और अधिगम के तीन क्षेत्र उन्होंने विभाजित कर रखे थे कि ऐसे तीन ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चे की क्षमताओं को, बौद्धिकता को, कौशल को, उसकी रुचि को एंड उसकी जो मांसपेशी है उसको हम विकसित कर सकते हैं और एक मजबूत विद्यार्थी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो संज्ञानात्मक था, यानी सबसे पहले जो अधिगम का स्तर था वो कौन सा था, संज्ञानात्मक स्तर था, उसमें जो योग्यता बांट रखी थी कि केवल संज्ञान का मतलब उसकी बौद्धिक योग्यता का ना था, उसकी नॉलेज का था, उसके विश्लेषण का था, उसके संश्लेषण का था, ये सारी की सारी उसकी योग्यता यानी उसकी क्षमता किस चीज में है, उसके कौशल किस में है, ये संज्ञानात्मक विकास के अंदर हमने बता रखा था। फिर सेकंड अगर हम बात करते हैं भावनात्मक, संवेगात्मक, भावात्मक पक्ष एवं संवेगात्मक पक्ष, कि बच्चे का विकास तभी हो सकता है जब उसका उसकी रुचि हो, उसका एटीट्यूड हो एंड उसकी वैल्यू, भाई कोई ना कोई तो वैल्यू हो, कि संवेग कब होंगे, जब किसी के प्रति कब आकर्षित होगा, जब उस चीज के प्रति
उसकी अभिवृत्ति, उसका एटीट्यूड होगा एंड उसकी वैल्यू होगी, उसके मूल्य होंगे, तब जाके वो सही रूप में विकसित हो सकता है। इसीलिए हमारे देश ने माननीय भावनात्मक उद्देश्यों को भी मुख्य माना था। फिर उसके बाद मनोवात्मक या क्रियात्मक यानी साइको मोटर्स के अंदर ऐसी वो सारी आपको पता है क्या, विद्यालयों के अंदर खेलना, बहुत सारी अदर एक्टिविटी होती है जिसे को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, वो इसी के लिए है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है, वो साइको मोटर अगर उद्देश्य हम रखेंगे, अगर साइको मोटर उद्देश्य के आधार पर हम कार्य करेंगे तो बच्चे का एक अचीवमेंट लेवल बहुत अच्छा आएगा। बच्चा जब स्वस्थ होगा तभी उसका इंटरेस्ट जागेगा, तभी उसकी बौद्धिक योग्यता, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमताओं का विकास होगा। यानी ये तीनों अपने आप में क्या है, एक अनाच्छादित रूप है। जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना बहुत सारे, वो सभी कहीं ना कहीं अपना अपना योगदान देते हैं, जैसे जड़ योगदान देती है, उसका तना योगदान देता है, ये सारी की सारी चीजें उसको योगदान देती है। इसीलिए कहीं ना कहीं अधिगम के लिए जो तीन शर्त है वो तीनों ही लिंकअप है एक दूसरे से, क्या है, लिंकअप है। मगर आज हम बात कर रहे थे केवल कॉग्निटिव डोमेन्स की, यानी संज्ञानात्मक अवस्था की। अगर विकास की बात करते हैं तो विकास के लिए एक जो बीएस ब्लूम 1926 में इन्होंने एक संज्ञानात्मक के ऊपर एक टैक्सोनॉमी का विकास किया था, टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक टैक्सोनॉमी है किसकी, बीएस ब्लूम की, जो 1956 में उन्होंने विकसित की थी। ब्लूम के अनुसार हम देखें अगर ग्रुप की देखते हैं तो बच्चे के अंदर एक विकास की संज्ञान की जो क्रिया होती है वो किस तरह से निर्मित होती है, वैसे ग्रुप ने इसी के अंदर काफी कई बार 1956 के बाद 1964 में भी इन्होंने परिवर्तन किया था इसी के लिए। लेकिन हम मुख्य मुख्य से समझ सकते हैं कि ग्रुप ने जो एक विद्यार्थी की संज्ञान को किस तरह निर्मित करते हैं, संज्ञान निर्मित होता किस तरह है, उसको एक पिरामिड के अनुसार उन्होंने दिखा रखा है, क्योंकि एक टैक्सोनॉमी है कि भाई संज्ञान किसका, बौद्धिक योग्यताओं का, उसकी क्षमताओं का, उसके कौशल को, यानी केवल ब्लूम्स ने ही संज्ञानात्मक विकास या उसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा ब्लूम्स का योगदान मुख्यतः मानते हैं। तो ब्लूम्स ने सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी बनाई थी, टैक्सोनॉमी में उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो बालक होता है, हम जानते हैं कि बच्चे के अंदर जो नॉलेज होती है, यानी उन्होंने मानता था फर्स्ट के अंदर उन्होंने क्या माना, नॉलेज, यानी रिमेम्बरिंग, सबसे पहले उन्होंने इस टैक्सोनॉमी में रिमेम्बरिंग कहा था, लेकिन जैसे जैसे संशोधन होता चला गया ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में, लास्ट में उन्होंने इसे नॉलेज माना, क्योंकि रिमेम्बरिंग का मतलब भी यहाँ पे किससे था, उस बच्चे की मानसिक योग्यता से था, उसके ज्ञान से था, किससे था, सबसे पहले उसके ज्ञान से था। आपको पता है कि बच्चा सबसे पहले हम बच्चे को अपन कहते हैं कि बच्चे को तुम, हम बोलते हैं बच्चे से वापस रिकॉल करवाते हैं कि बच्चे तुम वापस बोलो, तो हम किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हम उसके ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं, उसकी जो साउंड क्वालिटी है, उसके जो एक वोकल साउंड है उसमें हम क्लियरिटी चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसकी क्षमता, उसके कौशल को माप रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से तो कर रहे हैं इसीलिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान, कि सबसे पहले हम उसे ज्ञान को बताते हैं, फिर उसे रिकॉल करवाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बच्चा वापस रिकॉल करेगा। तो हम सबसे पहले उसके नॉलेज की बात करते हैं कि भाई बच्चा किस तरह से सीख रहा है। तो ब्लूम्स ने माना कि सबसे पहले बच्चा को क्या करना पड़ेगा, उसको एक ज्ञान, उसको रिमेम्बरिंग करानी पड़ेगी, क्या कराना पड़ेगा, उसको ज्ञान को बताना पड़ेगा, तभी जाके वो बच्चा सही ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन। अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों में से अलग अलग है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन शब्द का ही प्रयोग ब्लूम्स ने किया था, मगर आज जब इसकी टैक्सोनॉमी बदली तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग है, इसकी बौद्धिक क्षमता से लिया गया कि भाई बच्चे ने जो बच्चे को हमने जो पढ़ा दिया है, अब बच्चा अंडरस्टूड कितना है, बच्चा कितना इन चीजों से सीखा है, ये सारी चीजें उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगी कि भाई हमने तो बच्चे को नॉलेज दी, हमने तो बच्चे को ज्ञान दिया, अब बच्चा इस ज्ञान से कितना अंडरस्टूड हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी विकसित हुई है। इसीलिए ब्लूम्स ने माना था कि बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना, अंडरस्टैंडिंग कितनी आई है, इसके लिए एबिलिटी, उसके लिए असिस्ट, क्योंकि ये भी एक असिस्ट ही तो है, क्या है, यहाँ पे हम असिस्मेंट ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम
सिस्टमैटिक अलग है किसका? संज्ञानात्मक आकलन का। किसका? संज्ञानात्मक आकलन का। कि भाई हमने किसका असेस कर रहे हैं? हम यहाँ पे कॉग्निटिव जो डोमेन्स है उसको असेस करने के तरीके बता रहे हैं कि भाई किस तरह से असेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की है। इसलिए ये सारा का सारा क्या है, एक असेस करना है कि जो कॉग्निटिव जो डोमेन्स है उसको हम किस तरह से असेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो उसने हमें 1956 में जो टैक्सोनॉमी बताई थी उसके अनुसार ही हम इसको असेस करना सीख रहे हैं। कि सबसे पहले उसने लिमैंडिंग एंड नॉलेज, उन्होंने सबसे पहले लिमैंडिंग एंड नॉलेज के बच्चे को अंदर ज्ञान देते हैं हम बच्चे को, तो वो वापस रिकॉल करता है, वो ज्ञान को सजा के रखता है, सजा के रखने के बाद संगठित करता है, फिर ज्ञान को पुनः रिकॉल करता रहता है, जिससे उसके जो एक संगठित जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाती है। और वो रिकॉल करने के बाद बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कि एक बौद्धिक क्षमता आ जाती है, कि बच्चा अंडरस्टूड हो जाता है कि मुझे मैं इन सारी चीज़ों से सही तरह से सीख रहा हूँ। जब हम इनसे चेक करते हैं तो पता लगता है कि बच्चे का परिवर्तन कितना आया है। फिर बच्चा सबसे पहले उन सारी चीज़ों को अप्लाई यानी अनुप्रयोग, यहाँ पे क्या है अनुपयोग, यानी उसका उपयोग करना जाता है। जब अंडरस्टूड हो जाता है तो जो हमने सिखाया है उसका उपयोग करने बच्चा लग जाता है। एनालिसिस यानी एनालिसिस का मतलब है विश्लेषण, यहाँ पे क्या करने लगा था बच्चा विश्लेषण, यानी किसी तर्क के बारे में किसी के बारे में तुलना या फर्क विश्लेषण चीज़ों को तोड़ने लग जाता है, कि भाई इन चीज़ों को ऐसा या वर्गीकृत करने लग जाता है। ये सारी की सारी किस्म आ जाएंगी, ये विश्लेषण में आ जाएंगे, कि बच्चा आप विश्लेषित करना सीख चुका है। फिर उसके बाद सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे होता है संश्लेषण, क्या किससे होता है संश्लेषण का मतलब हिंदी में बोलते हैं सिंथेसिस को बोलते हैं संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब यहाँ पे क्या, कि बच्चे ने जो चीज़ें तोड़ी थी अब बच्चे को उन सारी चीज़ों को अपने सही रूप में, कि भाई इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू के अनुसार इसे जमाना है, यानी उसे संश्लेषित करना भी आ चुका होगा। लास्ट में जाके जो हमारी वैल्यू बचती है इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद हम बच्चे का क्या करते हैं एक इवेल्युएशन कर लेते हैं, यानी हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि बच्चे की जो उपलब्धि है वो कितनी स्तर के अनुसार है, कितनी ग्रेड के अनुसार है, यानी हम बता सकते हैं कि बच्चा कमजोर है या बच्चा और ज्यादा आगे बढ़ेगा। यानी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के अनुसार अगर हम सोचे तो जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो शैल है उसके आधार पर ब्लूम्स ने अपनी टैक्सोनॉमी को अपनी ही एक अंदाज से उन्होंने वर्गीकृत किया, कि सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए, फिर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर अप्लाई होनी चाहिए, आना चाहिए, तब जाके एक बच्चे का एक सही रूप जो सही एक टैक्सोनॉमी होगी वो इस अनुसार होगी। यानी संज्ञानात्मक ज्ञान को अगर समझे और एक ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को हम समझे तो हम ये बता सकते हैं कि संज्ञान किस तरह से निर्मित होता है, उसका जो ज्ञान स्तर है वो किस तरह से विकसित होता है। अगर आपको इसमें कुछ